प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक और बार स्वागत है आपका प्रभु के इस सुबह में, जो प्रभु की सुबह है। सो कहिए मेरे पीछे, गॉड्स मॉर्निंग। जी हाँ, ये प्रभु की सुबह है। ये प्रोग्राम जो विजनरी रेडियो टीवी का है, जिस प्रोग्राम का नाम है 10 मिनट प्रभु के साथ। मैं आशा करता हूँ कि ये 10 मिनट आपने प्रभु के लिए रखे हैं, चाहे आप काम कर रहे हों, चाहे कुछ भी कर रहे हों, लेकिन बिताइए, जरूर समय ज़रूर बिताइए। पौलुस भी कहता है कि मुझे मूर्ख ही समझ रहे हो, मूर्ख ही समझ कर सुन लो, पर सुनो ज़रूर। और ऐसा ही मैं भी कहूँ, मैं पौलुस के साथ समानता तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, उसके वचन के कहे अनुसार, जो कि प्रभु के पवित्र आत्मा ने उसे प्रेरित करके कहा है, नम्रता और दीनता में मैं भी आपसे निवेदन करूँगा, सुन लीजिए, संगति कीजिए। प्रभु आपसे प्यार करता है, वो चाहता है कि आप तैयार हो जाएं उसके आगमन के लिए। आमीन। सो आइए शुरुआत करते हैं इफिसियों के नाम, पौलुस प्रेरित की पत्री। हाँ जी, पौलुस प्रेरित की पत्री, नई पत्री आज शुरुआत हो रही है। 6 अध्याय हैं, लेकिन हम 7 दिनों में पूरा करेंगे, क्योंकि हम भूमि का भी पढ़ेंगे, ताकि हमें ये बाकी सारी बातें सुनने में और समझने में प्रभु की आत्मा के द्वारा सहायता प्राप्त हो। आमीन। भूमि का असल में एक तरह से सारांश होता है इस पूरी पुस्तक का। बस सारांश आखिर में आता है, ये शुरू में है। यहाँ लिखा है, इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री सबसे पहले संबंधित है परमेश्वर की योजना से। किससे? परमेश्वर की योजना से। ये बात हम सबके लिए लागू होती है, एंड इट इज़ नॉट हार्ड फॉर अस, राइट? हम सब जानते हैं हर बात परमेश्वर की योजना के लिए, लेकिन क्यों यहाँ ये लिखा गया है, इस पर गौर कीजिएगा कि जो स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्रित है। इसीलिए एक सब्जेक्ट जिसके बारे में आपने मुझे चर्चा करते सुना होगा, पहले उसके बारे में बात करते सुना होगा, वो सब्जेक्ट है ऑल इंक्लूसिव इन क्राइस्ट। सब कुछ मसीह में इकट्ठा है, सब कुछ मसीह में सर्व सम्मिलित है। पहले अध्याय के 10वें वचन में यहाँ ये लिखा है। अगर हम पहले अध्याय का 10वें वचन देखेंगे तो क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो गया कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्रित है। इफिसियों की पुस्तक पर बेस है वो पुस्तक जो मैं पढ़ता, मैंने पढ़ी है। इट इज़ नॉट वेरी बिग बुक, मैं बहुत ज़्यादा पुस्तकें तो नहीं पढ़ता, पर ऑफकोर्स पढ़ता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, ठीक है, पर मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाकू भी नहीं हूँ। बट आई स्टडीड एज मच एज पॉसिबल, जैसा मैं शरीर में और सब बातों में कोशिश करता हूँ, अपने आप को भर सक। वही कहता ना पौलुस के समान, देखो मारना कूटना मेरे लिए है कि मैं जाकर और पढ़ूँ और पढ़ूँ। आगे देखेंगे कुछ बातें, गौर कीजिएगा। यहाँ लिखा है इफिसियों की पुस्तक में, थोड़ा सा देखेंगे, यह परमेश्वर के लोगों से एक आग्रह भी है कि वे यीशु मसीह में एकत्व, यानी एकत्व के साथ, यानी एकता के साथ, एकता के द्वारा मानव जाति की एकता के लिए इस महान योजना के अनुरूप जीवन व्यतीत करें। ये परमेश्वर की महान योजना है कि सब मिलकर एक रहें। रिसेंटली आई वॉज लिसनिंग वन ऑफ इंग्लिश स्पीकर, एक अंग्रेजी भाषा के जो स्पीकर हैं, बिली ग्राहम मिनिस्ट्री में, आई डोंट नो वो उनके भाई हैं या बेटे हैं, मुझे नहीं मालूम। एंड व्हेन ही वाज स्पीकिंग, वो जो बोल रहे थे, उनकी बात में कुछ ऐसी बात थी, हाँ, पीपल ऑलवेज हैव डिफरेंट आइडियाज एंड पेन इन देयर हार्ट, राइट? लोगों के पास बहुत सारे दर्द हैं, तकलीफ हैं, एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं है, मैं भूल गया हूँ, बट उनका मीनिंग जो कहने का ये था कि लोग जो अकेले हैं इस समय में, लोगों के लिए सिर्फ एक ही जो है मार्ग है, एक ही तरीका है उनके जीवन को सही बचाने के लिए, और वो है, पता है क्या वो है? सिर्फ और सिर्फ क्या, बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊं, वो है परमेश्वर। जी हाँ, परमेश्वर और परमेश्वर का वचन। अगर परमेश्वर का वचन है तो वो हमें सही रास्ते पे देगा, और जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है ना, तो उनकी नैया डोल रही, हाँ जी, कहाँ कहाँ डोलेगी पता नहीं है, किसी को नहीं मालूम कहाँ जाएगी, क्योंकि वो हर जगह जाएगा। लेकिन अगर कोई परमेश्वर पर भरोसा रखता है, उसके वचन पर चलता है, तो वो वचन के अनुसार चलेगा, वो कुछ गड़बड़ नहीं करेगा। दैट्स द ब्यूटी हियर, राइट? इन्हीं बातों में आगे देखिए लिखा है, इफिसियों के पहले भाग में लेखक एकता के विषय में व्यक्त करता है, उस मार्ग के विषय में बताते हुए जिसके द्वारा परमेश्वर पिता ने अपने लोगों का चुनाव किया, कि कैसे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने अपने पापों से क्षमा प्राप्त की और छुड़ाए गए, और कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महान प्रतिज्ञा के पूरा होने का आश्वासन दिया गया है। दूसरे भाग में वह पाठकों से ऐसा जीवन जीने का आग्रह करता है कि मसीह में उनकी एकता उनके सामूहिक जीवन की सच्चाई बन जाए,
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफिसियों की पुस्तक जो है एक आत्मिक जीवन जीने की कला को सिखा रही है। ये चिट्ठी वो है जो आत्मिक जीवन को जीने के लिए प्रेरित कर रही है। अब जाहिर से बात यूहन्ना के बाद जब हम प्रेरितों की पुस्तक पढ़ते हैं और उसके बाद जितने भी पिस्टल्स हैं, यानी कि खासतौर से जो पुस्तकें पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखी गई हैं, ये पुस्तकें कलीसियाओं को लिखी गई, यानी कि लोगों के समूह को, झुंड को लिखी गई, और वो झुंड को प्रेरित करने के लिए लिखी गई, उनकी कमियां याद दिलाने के लिए और उनके लिए आशा जो परमेश्वर में उसे याद दिलाने के लिए, ताकि वो सही रीति से चलें। यकीन मानिए, तब भी लोग ये कहते थे कि आज प्रभु का दिन कभी भी आ जाएगा, और आज भी हम यही कहते हैं, क्योंकि कुछ भी बदला नहीं है, सब कुछ आज भी वैसे के वैसा ही है। मसीह कुछ ऐसा समझ लो कि कुछ ही दिन पहले हमारे बीच में था, ऐसा प्रतीत कीजिए, थोड़ा आंखें बंद करके ऐसा महसूस कीजिए कि कुछ ही दिन पहले वो हमारे साथ था, वो हमारे सामने था, उसने लोगों को चंगा किया, उसने बहुतों के लिए काम किया, और वो आज भी जो है, अभी कुछ दिन पहले वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा, और अब वो बहुत ही जल्दी वापस मुझे लेने आने वाला है। जस्ट फील लाइक दैट एंड यू विल फाइंड हिम इमीडिएटली, राइट। आगे देखिए क्या लिखा है, यहाँ कुछ और बातें जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। मसीह से जुड़े परमेश्वर के लोगों के एकत्व को दर्शाने के लिए कई उपमाओं का प्रयोग किया गया है। मतलब उपमाओं से मतलब यहाँ जो लिखा है, उपमाओं का मतलब है उदाहरण। कलीसिया एक देह के समान है जिसका सिर मसीह है, या यह एक भवन के समान है जिनके कोने के सिरे का पत्थर मसीह है, या एक पत्नी के समान है जिसका पति मसीह है। मसीह में परमेश्वर के अनुग्रह की धारणा से प्रभावित लेखक के कारण यह पत्री अभिव्यक्ति के महान ऊंचाइयों को छू लेती है। हर एक बात को इसमें मसीह के प्रेम, बलिदान, क्षमा, अनुग्रह और सिद्धता के प्रकाशन में दिखाया गया है। दैट्स ब्यूटीफुल थिंग, राइट, है ना। ये कई सारे उदाहरण दिए गए हैं जिन उदाहरणों से मसीह के और हमारे बीच के रिश्तों की मजबूती के बारे में प्रेरणा दी गई है। एंड नाउ इट्स योर टर्न, अब ये आपका समय है कि बहुत ही जल्दी हम इन भागों को, जब 6 अध्याय आज के बाद, यानी कल से जब 6 अध्याय पढ़े जाएंगे, एक एक दिन एक एक अध्याय, प्रभु हमसे बात करें, ऐसी प्रार्थना कीजिए। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, बुद्धि दे, ज्ञान दे, तेरे पीछे चलें। प्रभु कल से एक एक अध्याय प्रभु हमें सिखा, मुझे सिखा, हम सबको सिखा। प्रभु इनके जीवन में कार्य कर, इनके परिवार में तेरी भलाई प्रकट हो, इनको, इनके परिवार के हर एक जन को अपने हाथों में ले। तेरी योजना जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसी धरती पर इनके जीवन में पूरी हो। तेरी भलाई इनके लिए बहुत आज से प्रकट हो। अपने हाथ को प्रभु इनके लिए रख प्रभु, ताकि फलवंत हो, बलवंत हो, सारे बंधन, सारी बातें जाती रहें और भलाई तेरी ओर से प्रकट हो। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन। प्रभु आपके साथ हो कल सुबह 6 बजे, आमेन। गॉड्स मॉर्निंग। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।